मुबारक हो बहुत मज़ा आ रहा है कल आपने देखा होगा कि माहौल बहुत ज़्यादा थकी हुई थी तो हमने उससे ये तो पूछा ही नहीं कि वो जो एक लाहौर के कोने से दूसरे लाहौर के कोने तक गई थी उसमें जाहिर बीच में काम भी था लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग अगर तुमने देखा हो यार yeah, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग था लेकिन आई वॉज़ वेरी सरप्राइज आप पता नहीं आप लोगों ने बोटेनिकल गार्डन तो ऑफ कोर्स दैट एग्जिस्ट है लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक हाँ, जल्लो पार्क में ठीक है, है लेकिन उसमें ना एक बटरफ्लाई इन्होंने ये कहा था कि बटरफ्लाई म्यूज़ियम जो है वो बना हुआ है तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई थाट कि कैद करके रखी होंगी इन्होंने बटरफ्लाइज कहीं जंगले वंगले में जो जाके आप देखो ये वो तो थोड़ा सा थो थो आइडिया अजीब सा लगता भी था कि मतलब बेचारी तितलियों की तो जान छोड़ दे तो खैर मैं उधर हम लोग गए हमारा शूट वूट खत्म हो चुका था हुआ लाइक चलो लेट सी यहाँ क्या है तो हम लोग वहाँ पे गए तो इट टर्न आउट कि वहाँ पे एक्चुअल तितलियाँ नहीं थी वहाँ पे उन्होंने बड़ी बड़ी तितलियाँ जो हैं डिफरेंट टाइप्स की जो है ना वो चिपकाई हुई थी ये 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 है, ये, ये है, है। ये, है ये है तो हम अक्सर बात करते हैं ना कि ठीक आप जो है वो AI से कर कर लें, या 3D कर लें जानवरों के लिए दिखाने के लिए तो आई कि ये सही है ठीक है तो लोग देख भी लेंगे और इसमें आपके दिल को भी कुछ नहीं होगा क्या चारियों को बंद किया हुआ है अंदर हाँ और बस उसमें ये है कि सिर्फ इसके लिए ना उनको मारा गया हो मतलब जब वो मर चुकी तो उनको पेस्ट कर दिया हो ए, मैं कुछ कह नहीं ठीक है ये बिल्कुल यकीनन हाँ। जो है ना अगर ऐसा किया है तो बहुत बेहतर है हाँ। और इस पे जो है ना मैं आपके से पैगाम देना चाहूंगा कि कि सीरियस के ये जो है ना जो कुत्ते बिल्लियों और उसके अलावा खास खासतौर परिंदों की यहाँ पे लोग ब्रीडिंग करते हैं हाँ। अच्छा अगेन और इस तरह की ना आजकल YouTube पे वीडियोज भी बुरी आ रही हैं कि मैंने इनकम में अपने महीने की इतने इजाफा कर लिया ये ऐसे करके अच्छा वो जाहिर है आजकल जो मुल्क में हालात है ना अगर तो बात मुफलिसी तक तो आ गई है या वैसे मुफलिसी को छोड़े वैसे अगर आपके हालात बहुत ज्यादा टाइट हैं तो फिर तो वही बात है करे मतलब जब पैसे नहीं होते ना तो फिर बंदा, बंदा बड़ा कुछ करता है कुछ या। भी कर लेता है मैं तो कुछ भी कर जाऊ मैं भी बहुत कुछ कर ठीक है तो आपको कोई जज नहीं कर रहा लेकिन अगर घर चल रहा है ना तो फिर ये वाला काम ना करें उसकी वजह फिर वही है कि वो इतने इतने पिंजरों में रखे में हैं। मतलब परिंदे वो परिंदे उड़ने के लिए और सिर्फ उनको इसलिए रखा गया उनको रोटी दी जा रही है कि बस वो बच्चे पैदा कर दें क्योंकि फिर उनको बेचा जाए वो भी इतने इतने परिंदों में वो बड़ा ही ठीक तो है मुझे बहुत ज्यादा वो होता है एक तो वैसे ही मुझे थोड़ा सा तंग जगहों से भी बड़ा मसला है फिर जब मैं एक तंग जगह पे इतनी सारी चीज़ों को देखती हूँ कहती हूँ ना पता नहीं सा किस तरह आंदा पे है तो मत क्या करें खैर जी जहाँ तक ये बात है हैज़ हसान न्याजी अरेस्टेड ठीक है हम थोड़ा सा लेट आए इस चीज़ पर हम देख रहे थे कि क्या सीन है उनका किधर से अरेस्ट हुआ किधर हो गया तो पता ये चल रहा है कि लाइक हजफादर आस्किंग राउंड और वो ये कह रहे हैं कि जी पुलिस वाले कह रहे हैं हमारे पास या तो है नहीं या फिर हमने आ गए कोर्ट को मतलब मिलिट्री को जो है हवाले कर दिया हुआ है और उनका शायद मिलिट्री ट्रायल होना है सो अलॉट ऑफ पीपल वर कॉमेंटिंग ऑन द बॉडी लैंग्वेज ऑफ फादर

हो गया वो लेकिन ये तो बहरहाल अब इसमें वो सारी बहसें भी चल रही हैं कि जी वो इसने इस पे केस क्या बनेगा अगर मिलिट्री ट्रायल होता है आसान पे उसकी वजह ये है कि जो इन्होंने वो जाती किस्म के एक जनरल साहब पे हमले किए उनकी पेंटें लहराई तो वो क्या मिलिट्री के अगेंस्ट है या वो एक बंदे के अगेंस्ट है आ, इसी तरह लेकिन अगर उन पे इंसाइटमेंट का या अगर उन ये मॉब को लीड करने का कोई सबूत है

चलना है सिलसिला तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए अच्छा सिकंदर जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने ट्वीट की भी थी बट इज़ वेरी अलार्मिंग वो ये है कि जो वाटर लेवल एट हरी के बराज ठीक है आई एम आई एम नॉट श्योर इफ आई एम सेइंग इट राइट ऑन सुतलज जो है इज ओनली एट इंचेस बिलो द मेगा फ्लड लेवल्स ऑफ 1988 एंड 1955 ठीक है और वो खुद भी बता रहे थे कि ठीक है उनका पूरा जो वो गांव था 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 पानी के नीचे आ गया था, और तब काफी ज़्यादा पे तबाही और ये सारा कुछ हुआ था। तो we're again going on the same route. हाँ और वो मेरा ये ख्याल है कि फौरी तौर पे सतलज बैंक्स पे ना एक हाउसिंग सोसाइटी बना देनी चाहिए आहो चौक करो हाँ वो, अभी तक हमने यही देखा है

वहाँ पे जितनी ब्लॉकेजेस बना सकते हैं बना रहे हैं फिलहाल सरकार कहीं नज़र नहीं आ रही

सो अल्लाह खैर करे अच्छे जी पाकिस्तान इंडिया की जो एशिया कप की 2023 की टिकट्स हैं दीज आर दीज आर बीइंग सोल्ड एज एक्सपेंसिव एज 87000 रुपीस अकल लगी हुई है नहीं कुछ भी नहीं है यार डॉलर में देखो ना कितना बड़ गया तुम कन्वर्जन तो? तुम क्या कैलकुलेटर बन गए हो हमसे इससे सीधी बात किया करो साटे इधर ते खर्चे ने तू कि डॉलर विच बढ़ जांदा है नहीं हमें हमें रहने दो रुपीस में अली हमें ना कन्वर्जन आप बताया करें ठीक हाँ। है नहीं मसला फिर वो ये ना कि आपने वो जो टीवी राइट्स खरीदने हैं बेचने हैं वो सारा कुछ डॉलर्स में है हाँ। आपने हर चीज आप दुनिया के साथ डॉलर में डील कर रहे हो हाँ। वो अब पाकिस्तानी रुपी इतना गिर गया है मतलब नजरों में नहीं वैसे मार्केट में <laughs> कि अब वो हमें लगता है कि 87000 वो बनता ही कुछ नहीं अली मैं साइकोलॉजिकली ना इट्स इट्स अ लॉट

कि वो एक डांस क्या हुआ या एक क्या आर्ट हो गए होंगे थिएटर ही ड्रामों की बुकिंग्स बंद हो गई और वो ये कह रहे हैं कि कल्चर कॉम्प्लेक्स कजाफी स्टेडियम में कमर्शियल ड्रामे जारी रहेंगे लेकिन ये है कि इधर से सारा कुछ उन्होंने बंद किया वेन्यू ही बंद कर दिए हमें नहीं चाहिए पैसे <laughs> हम नहीं दे रहे बुकिंग ठीक और है जिनकी एडवांस बुकिंग हुई हुई है उनको सरकार अब जेब से पैसे देगी वापस मंजूर है फाशी बंद करनी है ली सबसे हमारा बड़ा मसला ये सच है कि हमने फाशी किसी तरह बंद करनी है कर दो फिर क्या हो सकता है धोनी को तो कोई नहीं डाल सकता अच्छा जी लाहौर पुलिस का 16698 हज़ार के साथ पहला नंबर ठीक है जी एक तो पुल्स ऊपर से पंजाब पुल्स ऊपर से लाहौर लाहौर ठीक है कमाल <laughs> तो हो पाई है तो जी खैर रवान साल में नाकस तफ्तीश और बहुत सारी डिटेल्स हैं इसके अंदर खुद ही खबर निकाल के पढ़ लें क्योंकि मैं अभी तक कल के असरा में से हूँ मुझे आज फिर आना पड़ा और मुझे अभी भी, भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है ली। तो खैर अच्छा यार आई नेवर न्यू के uh, लाहौर के सरकारी स्कूलों के अंदर कैमराज लगे हुए थे सो दिस इज़ अ न्यूज़ फॉर मी ठीक है और अब न्यूज़ असल में ये है कि शहर के साठ फ़ीसद सरकारी स्कूलों में सिक्योरिटी कैमरे जो है वो नकारा आएँ नहीं वो ए पी एस के बाद जो है ना वो रूल बन गया था कि हर स्कूल में प्राइवेट क्या और सरकारी क्या कैमराज लगेंगे सो so, एक ये लाहौर क्या ये आपको मतलब दूर दराज के इलाकों में भी ये मैंडेटरी है वो और बात है कि अगर लाहौर में साठ फीसद नहीं चल रहे तो कहीं और क्या चल रहा होगा हाँ मतलब आपके में हर दूर उदा इलाकों में टीचर्स नहीं आते वो सपलियाँ लग जाती हैं वो कई कई क्लासे खाली जाती हैं तो उसके मॉनिटरिंग के लिए भी कैमराज इन्होंने लगाए थे लेकिन अगेन पता नहीं चलते हैं कि नहीं चलते नहीं चलते मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं चलते हैं। अच्छा अली देखो मैंने खबरें खत्म कर दी ये हो ही नहीं सकता तुम तो मिस की <laughs> नहीं तो। मैं, मैंने मिस नहीं की देखिए मैं आपको सही बता अच्छा नहीं निकल आई देखो मैंने भेजी थी मैंने भेजी हुई थी मैं मैं भूल गई हुई थी आई थिंक हमने ये पहले भी डिस्कशन

उतने जो गोल्फ कोर्स बना देना दें यू कैन चेकआउट द राफ़े आलम एपिसोड जो हम लोगों ने की थी और उसमें हमने कितनी डिटेल में डिस्कस किया था कि कितना पानी उतने लगता है राइट आपने उखाड़ पछाड के सारा कुछ करके ऑनेस्टली मैं कल जब जल्लो में थी एक छोट मतलब ठीक है बड़ा पार्क है एक वो खास एक एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हमें ये वो जितनी गर्मी थी ना अली मैं जित एक छोटे से तरफ के या थोड़ी सी भी अगर कोई जगह शेड की नजर आती थी मैं इसके नीचे जाती थी ना एकदम से कूलिंग इफेक्ट आता था एंड वे रिपिंग इट ऑफ थ्रू आउट द कंट्री ये तो आप कालमा चौक की तरफ जब आ रहे होते थे ना लिबर्टी से तो जैसे ही लेफ्ट पे नर्सरीज आती थी ना यस yes. तो तकरीबन 2 डिग्री का फर्क पड़ता था सो खैर अब तो वो सीबीडी है

और वो कुछ जजमेंट नहीं है मतलब वो जाहिर है कुछ लोग आ, मतलब मैं आपको पहले बताता हूँ कि किस बारे में है क्योंकि वो सबको पसंद नहीं आएगा और वो उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार दसो अगे होया की मतलब गल्ला ना सुनाई जाओ सू सो उसमें होता कुछ भी नहीं है उसमें बस गल नहीं है बेस्ट है <laughs> सो वो <laughs> जो है ना मतलब यार जिंदगी में ना फेजेस होते हैं मुख्तलिफ मुख्तलि आप कभी इस तरह की चीजें आप देख रहे होते हो कभी उस तरह की चीज देख रहे होते हो तो मैं आजकल इस तरह की चीजें देख रहा हूँ इसमें कुछ, कुछ नहीं हो रहा और वो बेसिकली जो बेटर जो बेटर कॉल सॉल्व है ना वो वो उस एक्टर का जो भी नाम है इसमें लीड अच्छा। और एम सी का शो है और वो रेटिंग इसकी बहुत कम है लेकिन मजा आ गया देखने का मैं रेटिंग पे नहीं जाती अच्छा ये एक इंग्लिश डिपार्टमेंट का डीन है एक यूनिवर्सिटी में और बजट कट हो रहे हैं और फायर करना है टीचर्स को डिपार्टमेंट से निकालना है बजट बचाने के लिए साथ इस बंदे के डैडी इश्यूज हैं हाँ। खूबसूरत छोटे से एक हाँ। जगह की कहानी क्या बात है लुत्फ तो चेयर भी कुछ इस तरह से ही था पता नहीं मैंने आपको पहले रेकमेंड किया था अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख ले